नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी अलर्ट में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से आई वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि यहाँ वैकेंसीज़ आई है इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और टर्नर और भी बहुत सारे पोस्ट हैं। इसके लिए टोटल अगर हम बात करें तो 122 टोटल पोस्ट हैं। और उसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप 10th पास हैं और 12th पास हैं और प्लस ITI पास हैं इसी स्ट्रीम में, यानी कि इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, टर्नर, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आइए हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल सरकारी अलर्ट को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये है दोस्तों मेरे सामने न्यूक्लियर पावर ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि रावत भत्ता राजस्थान साइट का है। तो आइए हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इसकी वैकेंसीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ टोटल दो पोस्ट आता है दोस्तों। यहाँ पहला पोस्ट है ट्रेनिंग ऑपरेटर, पोस्ट यहाँ आता है ट्रेनिंग मेंटेनर। तो अगर हम इसके टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ टोटल 122 वैकेंसीज़ है, जिसमें पहला पोस्ट यानी कि ट्रेनिंग ऑपरेटर के लिए 56 वैकेंसीज़ हैं और यहीं ट्रेनिंग मेंटेनर के लिए 66 वैकेंसीज़ हैं। तो आइए हम इधर जान लेते हैं कि कौन कौन से डिसिप्लिन में कितने कितने वैकेंसीज़ हैं। यहाँ अगर बात करें ट्रेनिंग मेंटेनर ITI वालों की, तो यहाँ फिटर पद के 21 वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रिशियन के 16 वैकेंसीज़ और यहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के 21 वैकेंसीज़ और यहीं वेल्डर के 2 वैकेंसीज़ और यहाँ टोटल वैकेंसीज 66 है। तो आइए हम इसके पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो अगर हम पे स्केल की बात करें तो जो ट्रेनिंग है उस समय आपको यहाँ पे मैट्रिक लेवल 7 यानी कि 21,700 रुपये मिलेगा, और सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद ये आपको बढ़ा दिया जाएगा। और यहीं हम एज लिमिट की बात करें तो उसका एज लिमिट आपको दोनों पोस्ट के लिए 18 से लेके 24 साल के बीच में होना चाहिए। और यहीं एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जैसा कि सारे गवर्नमेंट एग्जाम में होता है, यहाँ OBC के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन और यहाँ SC ST के लिए 5 साल की। और यहीं हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ एलिजिबिलिटी आती है पहला पोस्ट यानी कि स्टिपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर के लिए आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए, उसमें साइंस और मैथ आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। और यहीं हम ट्रेनिंग मेंटेनर की बात करें तो आप 10th पास होने चाहिए विथ 50% मार्क्स एज ए मैथ सब्जेक्ट, और आप ITI होल्डर होने चाहिए जिसमें भी आपके 2 ईयर्स ITI होल्डर जिसमें आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। यही हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ट्रेनिंग के समय आपकी सैलरी की बात करें तो जब फर्स्ट ईयर में आपको सैलरी 10,500 मिलेगा और यहीं सेकंड ईयर में आपको सैलरी 12,500 मिलेगा। उसके बाद आपका थर्ड ईयर में पे मैट्रिक्स लेवल 2nd हो जाएगा। यहाँ कुछ दोस्तों इसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। यहाँ मिनिमम हाइट की बात कर लें तो मिनिमम हाइट यहाँ 160 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ न्यूनतम एज 45.5 kg दिया हुआ है, और यहाँ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जैसे कि 2 साल मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यही हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो यहाँ सिलेक्शन के लिए आपको दोनों ही एग्ज़ाम में, आपको पहले एग्ज़ाम में जो कि है स्टिपेंडेड ट्रेनिंग ऑपरेटर, इसमें सिर्फ आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा यानी कि PT और यहाँ एडवांस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही हम यहाँ ट्रेनिंग मेंटेनर जो कि ITI वालों के लिए है, उसके लिए भी PT और एडवांस का एग्ज़ाम होगा उसके बाद, लेकिन वो जो ITI हैं इसलिए उनका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। और इसके लिए आपको दोनों एग्ज़ाम, एक PT जो है वो 1 घंटे का होगा और जो एडवांस है वो 2 घंटे का होगा। इसके क्वालिफाई करने के बाद ही, यही हम बात करें PT एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो इसमें आपको मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साइंस के भी 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहीं पासिंग की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लोग को 40% मार्क्स अनिवार्य। इस फॉर्म को अप्लाई कहाँ से करें और इसका लास्ट डेट क्या है? तो इस फॉर्म को अप्लाई, आप लास्ट डेट है इसका
14/11/2018 यानी कि 14 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका अप्लाइंग डेट आपको यहाँ इसका साइट दिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं www.npcilcareers.co.in, इस पर आप जाके इसका ऑफिशियली साइट पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है ये आपको 15/10/2018 को 10 बजे से है और यहाँ लास्ट डेट 14/11/2018 है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप इसके एलिजिबल हैं तो आप इसको जरूर से ज़रूर भरें, आपको एक न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में नौकरी करने का मौका मिलेगा और बहुत ही अच्छी सैलरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएँ अगर आप किसी सरकारी जॉब से रिलेटेड नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।